नवरात्रि को आने में अभी एक हफ्ता पूरा पूरा बचा है और हम दूर से ही ये सारी धुनें सुन रहे हैं। जय श्री राम। सुनकर तो ये लग रहा है जैसे कोई प्रतिमा आ रही हो या कोई जुलूस आ रहा हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जबलपुर सिविल लाइन में विराजने वाली कालचक्र महाकाली माँ भगवती का आगमन है। तो ये सारी साज सज्जाएं, ये ढोल ताशे, ये सारे उसके लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं माँ कालचक्र महाकाली के। हम खड़े हैं राजा रसगुल्ला वाली गली में, जहाँ आज हमारे जबलपुर की प्रथम महाकाली का आगमन होने जा रहा है। जबलपुर नवरात्रि 2024 का यह प्रथम आगमन कालचक्र वाली महाकाली का है, जो कि सिविल लाइन में विराजमान होने जा रही है। यह प्रतिमा बिटला माई में बनकर घमापुर से हनुमान ताल होती हुई मिलौनीगंज से सिविल लाइन जा रही है। आ जाओ, चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के क्या नजारे हैं। पीछे से जो आप सारा श्रृंगार देख रहे हो, ये सारा श्रृंगार देखने के बाद और सामने की चीज़ों, सामने माँ भगवती की आंखों में इस बार घड़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई देखने को मिलेंगी। इनके रूप को इस बार नाम दिया गया है जबलपुर के अंदर कालचक्र की महाकाली। यह प्रतिमा जबलपुर के सिविल लाइन में विराजमान होने जा रही है। अब आगे की कहानी अगर हुआ, अभी संभव हो पाया तो पंडाल चलते हैं, अन्यथा जब ये वहाँ पहुँच जाएंगी उसके बाद में जल्दी आप लोगों को इसका फुल ब्लॉग भी मिल जाएगा। नर्मदे हर पन्नी में यदि आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। वैसे बारिश की वजह से पॉलिथीन चढ़ा रखी है माँ भगवती के प्रतिमा के ऊपर, ताकि कोई नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आंखों में जिस प्रकार से घड़ी लगी हुई है,